हेलो दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र और आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं टेक स्मार्ट का एक और नया एपिसोड। आज की वीडियो में देखेंगे कि वन प्लस 8 प्रो की क्या परफॉर्मेंस रही एक महीने से यूज करने के बाद। सबसे पहले चलते हैं इसके डिजाइन की तरफ से। वन प्लस 8 प्रो की डिजाइन वन प्लस 70 प्रो जैसी ही है। इसमें आपको काफी कम बेजल्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपको न के बराबर बेजल्स देखने को मिलेंगे। सेल्फी के लिए आपको इसमें पंच होल डिस्प्ले दिया गया है। आईपी सर्टिफिकेशन के साथ आने वाला वन प्लस का यह पहला स्मार्टफोन है। इसमें आपको कैमरा बम्प थोड़ा सा देखने को मिलेगा, लेकिन यदि आप इसके साथ आए बॉक्स में सिलिकॉन केस को यदि यूज़ करेंगे तो वह कैमरा बम्प आपको ज़्यादा ट्रबल नहीं करेगा किसी भी मामले में। इसके डिज़ाइन काफ़ी स्लीक और प्रीमियम है। वैसे कोई भी स्मार्टफोन जो कि ग्रीन कलर में आता है वह इतना अच्छा लुक नहीं देता है, प्रीमियम फील नहीं देता है, लेकिन इसका ग्लेशियर ग्रीन कलर जो है वह एक यूनिक लुक देता है, क्योंकि यह ज़्यादातर समय आपको लाइट ब्लू कलर ही दिखाई देता है। इसमें आपको बैक साइड में मैट फिनिश मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको जो फिंगरप्रिंट्स हैं वह अट्रैक्ट नहीं करता है। इसमें आपको अलर्ट स्लाइड भी देखने को मिल जाता है और साउंड के लिए स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। अब चलते हैं इसकी डिस्प्ले की तरफ। इसमें आपको शानदार 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी गई है। आज तक के किसी भी स्मार्टफोन में मेरे द्वारा यूज़ की गई सबसे बेहतरीन स्क्रीन इसमें दी गई है, क्योंकि इसमें आपको 3168x1440 के पिक्सल रेट मिल जाएगी, जो कि लगभग 2.5 के रेजोल्यूशन आप इसे मान सकते हैं। बहुत ही शानदार स्क्रीन दी गई है। बस इसमें थोड़ी सी कमी है कि इसमें आपको एजेस जो है वह थोड़े राउंड शेप में है, जिसकी वजह से थोड़ी आपको ट्रबल होती है यूज़ करते समय, लेकिन आजकल सभी स्मार्टफोन में ये ट्रेंड चल रहा है। तो आप स्क्रीन के मामले में ये बहुत ही शानदार है। आपको इसमें बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी स्क्रॉलिंग वगैरह में, क्योंकि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई है। इसकी रिफ्रेश रेट थोड़ी सैमसंग के स्मार्टफोन से थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट जो आप काम में लेते हैं वह आप क्वाड एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ काम में ले सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार है और किसी स्मार्टफोन में ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। कर्व एजेस की वजह से यदि आप मूवीज़ के लिए या वीडियोज़ देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फील जरूर देगा। इसमें आपको बेजल्स बिल्कुल कम देखने को मिलते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको फुल स्क्रीन देखने को मिलेगी और पंच होल डिस्प्ले के रूप में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि है इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि आज के समय में प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन में कॉमन है। यह आपको शानदार परफॉर्मेंस देता है। इसमें आपको एंड्रॉयड 10 मिलेगा, जिसमें ऑक्सीजन ओएस का सपोर्ट मिलेगा। ऑक्सीजन ओएस वन प्लस की तरफ से आने वाला बहुत ही शानदार फीचर है, जिसमें आपको लगभग स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें आपको स्नैपड्रैगन के 865 प्रोसेसर जो दिया गया है, इसमें आपको उसमें आपको एड्रिनो का GPU भी देखने को मिलेगा, जो कि आता है 650 आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि 8GB और 12GB की दो रैम के साथ आएगा। आपको 128GB और 256GB के UFS 3.0 के स्टोरेज के साथ आता है। इसमें आपको वॉक चार्ज मिलेगा 30 वॉट का, जो कि आपके लिए एक बहुत ही शानदार फीचर है। इसमें आपको 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन मिलेगा, क्योंकि इसमें जो स्नैपड्रैगन का 865 है वह डिफ़ॉल्ट ही 5G टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला एक शानदार प्रोसेसर है। तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको कहीं पर भी लैग देखने को नहीं मिलेगा इस स्मार्टफोन में। यह है परफॉर्मेंस के मामले में हर मोर्चे पर आपको शानदार एक्सपीरियंस देने वाला है। तो हमारी तरफ से थम्स अप है इसकी परफॉर्मेंस के लिए। अब चलते हैं इसके सॉफ्टवेयर में। इसमें आपको एंड्रॉयड के 10 सॉफ्टवेयर में ऑक्सीजन ओएस मिलेगा, जो कि लगभग आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस ही देता है। इसके अलावा यह आपको काफ़ी कस्टमाइज करने के ऑप्शंस भी देता है ऑक्सीजन ओएस के थ्रू। तो इसके आइकन्स वगैरह आपको आप आराम से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसकी लुक को डार्क मोड, लाइट मोड, सारे मोड्स आपको इसमें अवेलेबल होंगे। फिंगरप्रिंट के मामले में बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले सेंसर माना जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको स्क्रीन को टैप करने की ज़रूरत नहीं होती है। फेस अनलॉक भी इसमें शानदार स्पीड से काम करता है। अब चलते हैं इसकी कैमरा परफॉर्मेंस की तरफ। जब से वन प्लस ने वन प्लस 8 प्रो लॉन्च किया है, मैं काफ़ी एक्साइटेड था इसकी कैमरा की परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि वन प्लस के जो पुराने स्मार्टफोन हैं उनमें इसकी कैमरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रही थी। ये कभी भी आईफोन या पिक्सल के फ़ोन के कैमरा परफॉर्मेंस की टक्कर की नहीं रही। लेकिन 8 प्रो के लॉन्च के बाद जो भी अपडेट्स आई हैं उनके द्वारा इसकी कैमरा की परफॉर्मेंस को एनहेंस किया गया है। उसके बाद इसकी कैमरा परफॉर्मेंस टॉप नॉच रही, क्योंकि इसमें आपको शानदार
पिक्स लेने में आपकी इसकी एबिलिटी देखकर आप चौंक जाएंगे। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का IMX689 सेंसर दिया गया है जो प्राइमरी सेंसर। इसके अलावा 48 मेगापिक्सल का 120 डिग्री का वाइड एंगल कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो जूम का कैमरा है। इसके अलावा लास्ट 5 मेगापिक्सल का आपको इसमें कलर फिल्टर कैमरा दिया गया है, जो कि फ़िलहाल इसे ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि इस कैमरे के थ्रू आप किसी प्लास्टिक डिवाइस या फिर कपड़ों के ट्रांसपेरेंटली देख सकते थे कुछ हद तक। इस वजह से, प्राइवेसी कंसर्न की वजह से, इसे पहले चाइना में और उसके बाद ग्लोबली से ब्लॉक कर दिया गया है। अब आपको कुछ सैंपल्स दिखा रहे हैं, उनसे आप इसकी कैमरा परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सनलाइट में, डिम लाइट में या फिर नाइट में कैसी परफॉर्मेंस देता है, वाइड एंगल कैमरा कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आप इनसे आप थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे कि आप कैसी परफॉर्मेंस मिलने वाली है इसके कैमरा से। अब चलते हैं इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस। इसमें आपको 4510 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन इसमें आपको यदि, क्योंकि 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले रेट दी गई है, रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले आती है, तो इस वजह से इसकी बैटरी लाइफ का एवरेज ही मानी जा रही है, क्योंकि इसमें आपको 5-6 घंटे का ही ऑन स्क्रीन टाइम मिलता है। लेकिन इसमें आपको वॉप चार्ज की फैसिलिटी है, तो आप इजीली इसे फास्ट चार्ज कर पाएंगे कि इसमें आपको आधे घंटे में आपको 70% तक चार्ज कर सकते हैं। वन प्लस के द्वारा पहली बार आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है, वह भी वॉप चार्ज। जी हाँ, वॉप चार्ज, इसे आप वायरलेसली भी उसी स्पीड से चार्ज कर पाएंगे जिस स्पीड से आप वायर्ड कनेक्शन से इसे चार्ज कर पाते हैं। जी हाँ, वायरलेसली आप इसे आधे घंटे में 75 तक चार्ज कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, वन प्लस के द्वारा पहली बार दिया गया है किसी भी स्मार्टफोन में, वन प्लस के में। चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ की इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है। पहले इसे फ्लैगशिप किलर के तौर पर जाना जाता था वन प्लस को, लेकिन 8 प्रो के साथ उसने उस इमेज को मिटा दिया है, क्योंकि इसकी प्राइस और इसके फीचर्स दोनों ही फ्लैगशिप लेवल के हैं, तो इसे आप फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन की तरह ही मान सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि वन प्लस 8 प्रो की कैसी परफॉर्मेंस रही एक महीने के बाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे वीडियोज़ को हमेशा, सारे वीडियोज़ को देखें जो हमारे वीडियोज़ के लिंक में दिए गए हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप तक लेटेस्ट टेक न्यूज़ रिव्यूज़ पहुंच सके टाइम पर, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।